भोजपुरी नायिका आकांक्षा दुबे आत्महत्या वाले मामले में बनारस पुलिस ने गाजियाबाद से नामजद आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया। इसके बाद 24 घंटे की रिमांड दे दी गई। गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में ये नामी भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर नायिका आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आकांक्षा दुबे ने 26 मार्च को वाराणसी के होटल में मृत पाई गई थी। उसके बाद परिजनों की तहरीर पर भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया। तब से लगातार पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। कल बनारस पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि समर अपने कुछ साथियों के साथ राजनगर एक्सटेंशन के चार्म्स कैसल सोसाइटी में रह रहा है। यहाँ वो एक ब्लॉक के 1304 नंबर फ्लैट में रह रहा था। बनारस पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की मदद से देर रात समर सिंह को हिरासत में लिया। उसके साथ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। समर सिंह को गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में रखा गया। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चार्म्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। सुबह समर सिंह को पुलिस सुरक्षा में गाजियाबाद कोर्ट पेश किया गया। यहां बनारस पुलिस ने उसकी 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी, जिसके बाद सीजीएम ने बनारस पुलिस को समर सिंह की रिमांड दे दी। इसके बाद बनारस पुलिस उसको लेकर बनारस के लिए निकल गई। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।